आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। आज हुड्डा साहब ने बहुत बड़ी कार ली है, 14 लाख की कार, ब्रिज़ा टॉप मॉडल। और सेप शॉप में कार लेने का एक ट्रेडिशन बन गया। तो उमेश जी, आपके टीम में सबसे ज़्यादा कार आ रही है। 61 भी कार है, बहुत बड़ी, वेरी गुड। तो थोड़ा आप बताओ, इतनी कारें लोग कैसे ले रहे हैं? क्योंकि वो कार तो पहले भी ले सकते हैं, सेफ शॉप में आने के बाद कैसे ले रहे हैं इतनी कार? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हमारे सीमाराम होटा साहब ने इससे पहले मतलब आर्मी में जॉब करते थे। आर्मी में जॉब करने के साथ साथ रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट होने के बाद पुलिस में जॉब किया, सही है। लेकिन आज कितना सर एज हो गया लगभग? 50 साल एज कंप्लीट करने के बाद आज सर की एक्टिव इनकम की अगर बात करें तो लगभग 1 लाख प्लस की इनकम। लेकिन अभी तक सर का 4 व्हीलर का सपना नहीं बन पाया। लेकिन सेफ शॉप पिछले 6 महीने से लगातार हम लोगों के साथ में कर रहे हैं, और 6 महीना सेफ शॉप करने के बाद आज टॉप मॉडल बिटारा ब्रिज़ा 14 लाख की गाड़ी तक पहुँचे। तो आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे महागुरु मिस्टर टीआर चौधरी सर ने अपना अनमोल कीमती समय दिया है। सबसे पहले तो मैं गुरुदेव से जानना चाहता हूँ, गुरुदेव हमारे टीम में आज ये 61वीं कार है, लेकिन आपके में तो मेरे को लग रहा 500 प्लस होगी। मेरे को ऐसा, मेरे टीम में 1461 के लगभग हो गई। अरे बहुत बढ़िया, तो गुरुदेव 61 कार हो गई है, और मतलब बहुत ही प्राउड की बात है ये हुड्डा साहब ने लिया। आप बोले थे 50 साल के, लेकिन इनका एक्साइटमेंट तो 18 साल का। अभी तो मतलब बस मैडम साथ में है, बाकी ये बोल सकते हो दोबारा भर्ती हो जाए, सही है कि नहीं? इतनी स्मार्ट हैं और एनर्जेटिक हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आपने तो कार लिया, आप और कितने लोगों को कार दिलवाते हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी कार तो आ गई। आदमियों को और लोगों को कितने लोगों को आप छू सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को कार की जरूरत है कि नहीं? यस। कार है तो बाहर है, नहीं तो जिंदगी बेकार बेकार है। जिसके पास नहीं है कार वो है बेकार, सही है। क्योंकि मैडम को लोग पीछे स्कूटी पे ही घुमाते रहते हैं और डार्लिंग डार्लिंग बोलते रहते हैं। डार्लिंग तो इसमें अच्छा लगेगी, बात भी करेगी, साथ में भी बैठेगी। यस और नो? यस। मैडमों को मालूम नहीं है, जो कार नहीं है वो बंठन के तैयार होकर आती कि भाई हस्बैंड के साथ जा रही है। हस्बैंड तो आई स्कूटी चलाने में बिजी है, उसका श्रृंगार किस काम का बताओ? ये बूढ़ा साहब को पता चला तो इन्होंने क्या क्या कार बड़ी वाली ले ली, ऑडी जैसी कार ले ली। और इनके दिल में क्या गुजर रही है? मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी को आप टच करें, हर आदमी को कार अच्योर बनाएं, सही है कि नहीं? है कि नहीं? कार से भी ऊपर कोई बहुत सारी चीजें हैं, सुपर लग्जरी कार है। मैं सुपर लग्जरी कार ऑडी में आया तो मैंने सोचा कि यार इससे भी कुछ ऊपर हो सकता है, सही है। तो मेरे टीम में इंद्रपाल जी ने 1 करोड़ की कार का टारगेट लगा करके वो मर्सिडीज फॉर्मेटिक, तो मैंने बोला यार तू मेरे से बड़ी कार ले रहा तो मेरे को तो हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा। Yes. 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 और देखा देखी होता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, हुड्डा साहब के लिए जोरदार तालियां। सही, हुड्डा साहब कैसा? नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से ये जो कार ले पाया हूँ, माध्यम से लोगों का ही आशीर्वाद है। क्योंकि अभी तक कार तो ले सकता था, परंतु क्या है कि उसके लिए सोच नहीं बन पाई थी, इसलिए अभी महागुरु जी लोगों के साथ में आकर के इस तरीके की सोच बनी और ये कार लेने का मौका मिला। अभी नेक्स्ट कार कौन सी ले रहे हैं? नेक्स्ट कार के लिए तो गुरुदेव अभी टारगेट चल रहा है, अगली मेरी जगुआर कार होगी। बहुत बढ़िया, जगुआर काफी लग्जरी कार है। मैडम से भी कुछ कहना चाहते हैं भाई? नजदीक आ, तू मैडम की रिकॉर्डिंग कर, यही हमारी मांग है, क्योंकि सबसे ज्यादा फीलिंग तो इन्हीं से आती है और इन्होंने धक्का मारा कार के लिए। नजदीक आ जाओ, बताइए मैम कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। कितने में थोड़े लोग समझ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से बताओ। अच्छा लग रहा है, कार आई है सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी में आने के बाद। मोंती जी ने सबसे ज्यादा कारें खरीदवाई है। मोंती जी कुछ बहुत शब्द कहे आप? मोंती जी हैं हमारे साथ में, सबसे ज्यादा कार इन्होंने खरीदवाई है। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कार के बारे में बात करूं, मैं जब सिस्टम में आया था तो मेरे पास हीरो होंडा स्प्लेंडर थी, तो 15-20 दिन महीना हो गया, तो चौधरी साहब ने बोला कि यार कार लेना यार चाहिए यार, कार क्या बाइक के चक्कर में क्यों पड़ा है? मैं एक्चुअली ग्लैमर का चक्कर में पड़ा था, ग्लैमर FI लेना था मेरे को, तो सर ने सेट कराया ग्लैमर FI लेगा तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? बोला 15-20 हज़ार। बुरा, अगर बिना डाउन पेमेंट में कार ले ले तो कैसे रहेगा? बोला ऐसा भी है क्या? चलो ठीक है ले लेते हैं। तो मेरे को कार चलाना नहीं आता था,
महागुरु जी कोर करी जब उतर उधर हो रहा था मरुगढ़ में, वहाँ मेरे को फीलिंग्स आई कि कार लेनी चाहिए, और मैंने ड्राइविंग नहीं करना जानता था फिर भी कार ले ली। और मेरी कार थी स्विफ्ट VXI जो कि 6,50,000 की, और मेरी टीम में आज 31 कार हो चुकी है, और अभी 25 तारीख को 4 कार निकल रही है। ये सब महागुरु जी की ट्रेनिंग है, और सेफ शॉप की वजह से सब संभव हुआ। सेफ शॉप ने हमारी सोच को बदला, हमारे सोच को बदलने के साथ साथ हमारी लाइफ स्टाइल को बदला, पर्सनल डेवलपमेंट किया, जिसकी वजह से हर आदमी चाहे पैसा हो नहीं हो, सोच बदलने की वजह से कार लेने का सोच होता है और कार भी ले लेता है। पैसा तो हर कोई इंसान ही पास होता है, बंगला भी होता है, घर होता है, जमीन होता है, लेकिन कार लेने की बारी आती है बोलता है जरूरत क्या है जब बाइक में काम चल रही है। लेकिन हमारी सेफ शॉप, हमारी सक्सेस सपोर्ट ट्रेनिंग यही सिखाता है कि कार क्यों लेना चाहिए। महागुरु जी ने बता दिया उसको अच्छी तरीके से। मैं चाहता हूँ हर आदमी पास कार हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सही बात बोला आपने। एक्चुअली क्या है ना, लोग नीड के लिए भी काम नहीं करते, जरूरत पड़ती है तो फिर काम करते हैं कि ये जरूरत है, जरूरत महसूस नहीं करते। सही है, हर आदमी कार ले सकता है, ये बात तो सही है। कार लेने से 4-5 फायदे हैं। एक तो मौसम मुट्ठी में हो जाता है, बरसात रोक नहीं पाती, गर्मी रोक नहीं पाती, सर्दी रोक नहीं पाती, सही है। और परिवार में प्यार बढ़ता है। जब भी कार लेके जाओगे तो मैडम बोलेगी साहब आए, क्या साहब आए। बाकी कई मैडम में बोलते हैं कि आप यहीं से चले जाओ, अभी घर चलने की क्या जरूरत है, मैं चली जाऊं। तो बहुत बढ़िया सर, बधाई हो, जोरदार तालियां।